तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों सुबह हो चुका है और 8 बज चुका है, और दोस्तों कुछ काम कर सुबह उठ के इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, और आज काफ़ी धूप गया क्योंकि कल तो बारिश किया था, आपको तो कल की वीडियो में दिखाई होगा। तो फिलहाल भाई इधर छत पर हैं और अभी कपड़ा घाटे कुछ देर पहले, तो भाई अब चलते हैं नीचे, काफ़ी ऊपर धूप हो रखा है तो नीचे चलते हैं, काफ़ी गर्म हो रहा था ऊपर में। तो भाई ऐसा है कि नवरात्रि चल रहा है और घर में साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, तो भाई अभी हम इधर, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरा ये सब काई लगा हुआ है, इस सब में अभी ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे और इसको साफ़ करेंगे। तो मेरा ब्लीचिंग पाउडर ये है, अभी इसको इस डिब्बे में भर के अब पूरा जगह यहाँ पे डालेंगे और कुछ देर के बाद इसको रगड़ के पूरा यहाँ से वहाँ तक साफ़ करके धो लेंगे। तो भाई पहले इसको हम डब्बे में डालते हैं और इसमें ढक्कन को कुछ छेद भी करना है ताकि इसे निकल जाए। तो फिलहाल चलते छेद करते हैं डब्बा में, उसके बाद फिर ब्लीचिंग पाउडर सब जगह डालते हैं ताकि अच्छे से पूरा साफ़ हो जाए। तो भाई फाइनली इस ढक्कन में हम ये चाकू गर्म करके छेद कर दिए हैं, अब इसमें डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर और सब जगह छिड़कते हैं। तो फाइनली गाइस इसमें हम ब्लीचिंग पाउडर भर दिए हैं, अब इसको जा रहे छिड़कने के लिए। देख पा रहे होंगे गाइस, ब्लीचिंग पाउडर अभी सब जगह दे दिए हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे उधर उधर भी दे दिए हैं और इधर भी दे दिए हैं। अब यानी कि कुछ देर के बाद हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको जो है फूल जाने के बाद बढ़िया से रगड़ के साफ़ कर देंगे तो मस्त चमक जाएगा। तो फिलहाल गाइस अभी जाते हैं, कुछ देर वेट करते हैं फिर आके रगड़ते हैं। जा रहे कुछ सब्जी वगैरह कुछ काटना है, यानी कि मम्मी को हेल्प करना है तो फिर जाते हैं। तो भाई अभी हम जा रहे हैं सब्जी काटने के लिए, अभी खाना बन रहा है। तो ये रहा सब्जी, ये है पटल, और इसको भी मम्मी दो चार को छिली है और इसमें थोड़ा सा इसको हम पटल को छील लेते हैं फिर काटेंगे आराम से। तो चाकू है यहाँ पे, तो चलिए पटल। अरे ये यहाँ पे बॉयल आलू है और मम्मी उधर से खाना बना रही है, और ये बॉयल आलू को छील के पता नहीं क्या बनेगा इसका चोखा। इसका बनेगा आलू का चोखा, जिसे चटनी भी बोलते हैं। फिलहाल भाई अभी इधर छिलते हैं पटल। तो गाइस अभी जो पटल हम छील लिए हैं और इसको धोएंगे धो के फिर इसको काटेंगे, बढ़िया से धोना पड़ेगा, दो पीस में हम छान लेंगे। फिलहाल अभी इसको जो है काटते हैं आराम से बैठ के। तो फाइनली गए सब्जी काट लिए और अभी जा रहे हैं ब्रश करें कुछ खा लेंगे, उसके बाद फिर उधर भी काम करना है जहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर दिए हैं तो उधर भी साफ करना, उसके बाद फिर नहा लेंगे। तो गाइस नाश्ता हो गया एकदम मस्त, अब जा रहे हैं जो काम सुबह को हम ब्लीचिंग पाउडर दिए थे अब उसको जा रहे धोने के लिए आराम से। तो भाई अभी धोएंगे इसको, ऐसा है अभी पानी छिटेंगे इस पर, उसके बाद रगड़ेंगे ताकि सब छूट जाए। हम जो साफ़ कर रहे थे वो अब साफ़ हो चुका है काफ़ी मेहनत के बाद, तो आप देख सकते हैं अब वो सब जो दिख रहा है वो सब दाग हो चुका है तो छूट नहीं रहा है, तो उसका दूसरा को उपाय लगाना पड़ेगा। फिलहाल अभी नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं, अब जा रहे खाना खाने के लिए। तो गाइज अभी शाम के 3 बज रहे हैं और अभी हम छत पर आ चुके हैं, धूप तो किया नहीं यानी कि बारिश का मौसम बनाया है, और दिन में हल्का सा पानी पड़ा, उसके बाद कपड़ा उठा के अंदर कर लिए
तो फिर भाई अभी 3 बज रहा है, तो सोचे छत पे घूमते हैं, तो काफ़ी अच्छा हवा चल रहा है यहाँ पे। और दोस्तों आज की वीडियो में जो है काफ़ी बढ़िया बढ़िया आपको सिनेमेटिक सीन देखने को मिलेगा। तो अभी हम वहाँ पे कुछ अमरुद का पेड़ है, पपीता का पेड़ है, तो वहाँ फोटोग्राफी भी किए हैं कुछ कुछ, तो सबको हम वीडियो मेंशन कर देंगे और साथ ही सिनेमेटिक सीन भी निकाले हैं कुछ, तो वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो भाई चलिए आपको पहले सिनेमेटिक सीन दिखाते हैं। फाइनली गाइज ये सिनेमेटिक शॉर्ट्स आपने देखा, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगा ये सब शॉर्ट्स निकालने में। तो भाई अब चलते हैं नीचे और देखते हैं, और कुछ काम करना है तो करते हैं फिर। तो भाई देख सकते हैं ये जो बकरी है, ये दो पैर पर खड़ा होकर पत्ता खा रही थी, अभी फिर दो पैर पर खड़ा हो गई तुरंत। हो जा ये रहा। तो भाई ऐसा है कि आज हम आए मार्केट अभी, और अभी चप्पल नहीं अपने लिए स्लीपर, तो मार्केट में बहुत भीड़ था, इस वजह से वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि कुछ बोलते तो आवाज़ आता नहीं। तो चप्पल को घर में जाकर खोल के दिखाएंगे कि कैसा है, तो फिर अभी घर चलते हैं। मार्केट तो दुर्गा पूजा का मार्केट है, भीड़ तो रहेगा ही। फिलहाल भाई बाइक है, अब निकलते हैं इधर से। तो भाई मार्केट से आ चुके हैं चप्पल लेके अपना, और मार्केट में तो वहाँ पर दिखा नहीं पाए खोल के, क्योंकि मार्केट में बहुत भीड़ था, मतलब दशहरा का जो मार्केट चल रहा है ना, बहुत भीड़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा, तो वहाँ पे शूट नहीं कर पाए। तो फिलहाल गई ये रहा मेरा चप्पल, अंदर चलते हैं कैसा है कमेंट बताइएगा। तो भाई अभी रात हो चुका है और खाना खाएंगे और फिर थोड़ा वीडियो एडिटिंग करेंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे आराम से। तो भाई आपको ये आई होप ये ब्लॉग पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।